सॉरी सर, आपको क्या पता था ये इस फिल्म के शुरू करने से पहले जी कि आप इंडियन फिल्म हिस्ट्री में पहले एक्टर और डायरेक्टर बनने जा रहे हैं जो कुछ फिल्में भी बना अपने लिए फिल्म भी बना? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था। मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी और जब मेरी फैमिली ने कहा कि सोल अगर तुझे न्यू कवर चाहिए फिल्म के लिए तो वाई न्यू कवर, तुम्हें फिल्म खुद करनी चाहिए, तुमने इस फिल्म की कहानी लिखी है, डायरेक्ट करना चाहते हो तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए। और ये जो पर्टिकुलर रोल है मैं यहाँ तक ठीक हूँ, ये कर दिया, आगे जाके देखेंगे। मैंने ये स्टोरी भाई को सुनाई थी, मैं चाहता था कि भाई सुन मैं काम करें, लेकिन जब मैंने ये कहानी भाई को सुनाई तो भाई ने एक पॉइंट पकड़ा। भाई ने बोला कि देखो ये जो तुम्हारी कहानी है, सलमान भाई अच्छा जब नहीं नहीं वहाँ का भाई नहीं भाई लोग नहीं मतलब घर के भाइयों ने ये बोला कि आप अच्छा सलमान भाई और अरबाज भाई ने कहा कि मैं चाहता कि सलमान भाई ये फिल्म करे तो, लेकिन जब मैंने भाई को एक कहानी सुनाई, सलमान भाई को कहानी सुनाई तो मैंने बोला क्या, उन्होंने एक पॉइंट नोटिस किया क्या कि जो फिल्म की कहानी है इसमें जो अजय का जो कैरेक्टर है जो मेन लीड है वो एक कॉलेज स्टूडेंट का रोल निभाता है, तो इस उम्र में मुझे कॉलेज स्टूडेंट प्ले करना थोड़े ऑडियंस को एक्सेप्ट होगा क्या नहीं होगा, तो वो बात मुझे भी सही लगी क्या भाई का जो एक्सपीरियंस है और जो उन्होंने काम किया फिल्म इंडस्ट्री में इतने सालों तक, क्या लोग भाई को कॉलेज स्टूडेंट एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो फिर जब मैंने उन्होंने कहा कि ठीक है तो एक काम करते एक नए लड़के को लेते हैं, जैसे मैंने कहा एक नए लड़के को लेते सब जगह से उंगली मेरे ऊपर आई, अगर एक नया लड़का तो तुम क्यों नहीं, तो ऐसे दैट मैं क्योंकि मुझे फिल्म डायरेक्ट करनी है, मैंने बोला डायरेक्ट भी करो और इसमें एक्टिंग भी करो। ऐसे पहले दो तीन हफ्ते मैंने उनसे ये कहा कि भी मुझे होगा नहीं, लेकिन उनसे थोड़ा प्रेशर आया क्या तुम्हें ये फिल्म करनी चाहिए, फिर मुझे भी ऐसा लगा क्या मैं ये फिल्म तुम्हें कर पाऊँगा क्योंकि ये फिल्म मैंने लिखी है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, होम प्रोडक्शन है, आराम से फिल्म बनेगी। और मुझे ये कैरेक्टर से बहुत प्यार हो गया था जो अजय जो कैरेक्टर है फिल्म के अंदर, और मुझे कहानी बहुत पसंद थी तो इसलिए मैंने ये फिल्म चूज़ की करने के लिए। जी बहुत बहुत क्योंकि बहुत मेरे लिए एक बात तो बहुत अच्छी थी क्योंकि मैं खुद डायरेक्ट कर रहा था तो मैं जानता था क्या ये डायरेक्टर क्या चाहता है, अजय का जो कैरेक्टर है अजय से कैसा परफॉर्मेंस चाहता है, और लिखी भी मैंने फिल्म तो इसके जो डायलॉग्स है तो मैं जानता था क्या इस रोल को कैसा निभाना, अजय का कैरेक्टर को कैसा परफॉर्म करना। इसलिए मैं अभी कहता हूँ कि ये 23rd के बाद मेरे पास कोई फिल्में नहीं हैं, मैं बहुत सी कहानियाँ सुन रहा हूँ, बहुत से ऑफर्स आए, लेकिन जब तक एक ऐसा रोल या एक ऐसी कहानी नहीं आए मैं वापस प्रोडक्शन में चले जाऊँगा या डायरेक्ट करूँगा, लेकिन एक्टिंग थोड़ा रुक के करूँगा बिकॉज मैं कम काम करना चाहता हूँ लेकिन अच्छा काम करना चाहता हूँ। बहुत सारा बहुत, लेकिन वो डिपेंड होता है, जैसे कि जब मैंने हेलो ब्रदर बनाई तो उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, वो मैंने खुद बनाई, उन्होंने भी खुद कहा कि देखो यार बेटा तुम हेलो ब्रदर बना रहे हो, तुम एक ऐसी कॉमेडी फिल्म बना रहे हो जो जिसमें मेरे कोई इनपुट्स हो नहीं सकते, और वो सही बात थी बिकॉज वो उनके जॉनर में है ही नहीं। लेकिन जब मैंने ये फिल्म बनाई तो ये एक स्क्रीन प्ले वाइज स्टोरी वाइज एक सेंसिबल फिल्म है, लॉजिकल फिल्म है, तो उसमें इनके इनपुट्स बहुत थे। जी जी कहाँ से आपने फिर लव स्टोरी नहीं, इसमें सिर्फ लव स्टोरी बनाना सेम नहीं होता, उसके अंदर कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, स्टोरी लाइन चेंज हो जाती है, जो फिल्म का जो एटीट्यूड है, जो जैसा फिल्म
बनाना चाहते हैं वो टेक्निक चेंज हो जाती है. तो सिर्फ ये बोलना कि आप लव स्टोरी, क्या आपने पहले भी लव स्टोरी बनाई और अभी अभी आप लव स्टोरी बना रहे हो, उससे बहुत चेंजेस हो जाते हैं. इस लव स्टोरी में जो अलग बात है, जो डिफरेंट बात है, वो है अप्रोच, जिस तरह से हमें इसको बनाई है, इसकी जो टेक्निक है, जो डायलॉग्स है, परफॉर्मेंसेस है, जिसे बोलते हैं एटीट्यूड, वो काफ़ी अलग है, काफ़ी हटके. और इट्स अ वेरी यूथफुल, बहुत यंग फिल्म है. तो जो भी ये फिल्म देखेगा वो ये रियलाइज़ करेगा कि इन्होंने ये फिल्म थोड़ी हटके बनाई है. जी जी जी. संजय दत्त, पहले तो मैं संजय दत्त का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. तो जब ये कैरेक्टर लिखा गया था भाईजान का, तो मेरे दिमाग में सिर्फ संजय दत्त ही था. अगर संजय दत्त ये फिल्म नहीं करते तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता, बिकॉज काफ़ी रोल जो हम लिखते हैं हम पहले से आर्टिस्ट को दिमाग में रख के लिखते हैं. और ये मैंने संजय दत्त को ही दिमाग में रख के लिखा था, क्या मैं ये बाबा से ही करवाऊँगा. और ये अच्छा हुआ कि बाबा ने हाँ कर दी और ये फिल्म की है. और जब आप फिल्म देखोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप बहुत बड़ा डिफरेंस है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रिसेंट कंट्रोवर्सी हम लोग देखे, आप किस तरह से आपने प्रिपेयर किया है, क्या फर्क पड़ेगा? जी मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. मैं जहाँ बाबा है, मैं बाबा के बारे में बहुत ही बायस्ड हूँ, मैं बाबा को बहुत प्यार करता हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे या मेरी फिल्म को. हम आर्टिस्ट हैं, हम अपना काम करते हैं, हम फिल्में बनाते हैं और हमारे हमको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं. हम लोगों को चाहते हैं कि लोग इंटरटेन हो और हम उनको इंटरटेन करते हैं. बहुत ही बढ़िया, मुझे तो बहुत पसंद है. पता नहीं अगर लोगों को पसंद आया कि नहीं आया, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है, इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया ये म्यूज़िक. और ये म्यूज़िक का सारा क्रेडिट डब्बू मलिक को जाता है, क्योंकि हमेशा मैंने अपने फिल्मों में दो तीन म्यूज़िक डायरेक्टर लिए हुए थे, लेकिन डब्बू मलिक ने किसी को घुसने का चांस ही नहीं दिया. उसने इतना अच्छा दिया, सॉरी डब्बू मलिक ने किसी घुस सॉरी डब्बू मलिक ने किसी डब्बू मलिक ने किसी को घुसने का चांस ही नहीं दिया. उसने इस फिल्म के अंदर ऐसे ट्यून्स दिए, इतना अच्छा म्यूज़िक दिया कि आई कुड नॉट इवन अप्रोच एनीबडी एल्स. इट वाज ब्रिलियंट म्यूजिक फ्रॉम दिस साइड. जी नहीं, आजकल क्या हो गया कि जब हम अपनी फिल्म बेचते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तो एक वो एक थिएटर्स चेन भी होती है. तो जब हम बेसिकली मैं कुछ नहीं कर पाया इसके बारे में, क्योंकि भाई की फिल्म और मेरी फिल्म जब हम बेचते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को, हाँ ताजुब की बात है कि भाई की फिल्म और मेरी फिल्म एक ही दिन रिलीज़ हो रही है, लेकिन इस बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जब हम अपनी फिल्म बेचते डिस्ट्रीब्यूटर्स को तो उनकी भी एक चेन होती है, एक थिएटर्स की चेन. एक बार वो फिक्स हो जाए तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्या शिफ्ट करना और आगे बढ़ाना फिल्म को, बिकॉज सबके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. तो मैं यही चाहूँगा कि भाई की फिल्म मेरे साथ आए और हम दोनों की फिल्म चले. समीरा रेड्डी के बारे में एक्चुअली सॉरी समीरा रेड्डी आपके पास ऑप्शंस बहुत हो सकते थे. जी समीरा रेड्डी फर्स्ट कम फर्स्ट, मुझे एक नई लड़की चाहिए थी और मैंने काफ़ी लड़कियों का स्क्रीन टेस्ट किया, फिर आई समीरा रेड्डी स्क्रीन टेस्ट देने. जैसे उन्होंने स्क्रीन टेस्ट शुरू किया, हमने वो स्क्रीन टेस्ट दे रही थी और हमने ये डिसाइड कर दिया कि ये फिल्म करने वाली है. वेरी टैलेंटेड गर्ल,
वेरी 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 टैलेंटेड गर्ल और उसके ऊपर वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. तो इतना लीथल कॉम्बिनेशन है, क्या टैलेंट भी है और ब्यूटी भी है, तभी कौन उसको रुका सकता है. जी मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा ऑडियंस से, क्या हमने मिलके एक बहुत सिंसियर ऑनेस्ट फिल्म बनाई है और इसमें मेहनत बहुत गई है. तो अगर ऑडियंस ये अप्रिशिएट करे, जाके फिल्म देखें, और अगर उनको ये महसूस हो कि हमने बहुत काम किया इस फिल्म के अंदर, अगर उतना भी कर ले, तो आई थिंक आई बिन अ विनर.